राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र में सरकार केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा मास्क की अनिवार्यता सहित चार विधेयक और रखे जाने हैं। ये सभी विधेयक आज ही विधानसभा के पटल पर रख दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी भी सत्र में सरकार के विधेयक का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, हापक जीता विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करता हूं। आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, हापक जीता विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, शशि शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, हां पक जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करता हूं। राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020, श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, हां पक जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। पुनर्स्थापित करेंगे प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करता हूं। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, श्री लालचंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हां पक जीता विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को पुरस्थापित करता हूँ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी,
नागालैंड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अश्विनी कुमार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सैयदा अनवरा तैमूर, पूर्व सांसद श्री जसवंत सिंह, डॉक्टर हरि सिंह, एम सी राधाकृष्ण बिरला, इस सदन के सदस्य श्री कैलाश चंद्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री श्रीमती जकिया तथा पूर्व सदस्य श्री हीरालाल मीणा, श्री शिव सिंह एवं श्री रामेश्वर भारद्वाज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मेराती ग्राम में हुआ। आपने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त की। श्री प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा तथा 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। संसद के कार्यकाल के दौरान आप कई संसदीय समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री मुखर्जी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता एवं मुख्य सचेतक तथा सदन के नेता रहे। आप जून 2004 से जून 2012 तक लोकसभा में भी सदन के नेता रहे। राजनीतिक विषयों में प्रवीण श्री मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। आप इस पद पर 25 जुलाई 2017 तक आसीन रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री मुखर्जी। भारत सरकार में उपमंत्री, राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए आपने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, विशेष पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल की स्थापना जैसे विषयों पर इस उद्देश्य के लिए गठित 95 से अधिक मंत्री समूहों की अध्यक्षता करते हुए सार्थक निर्णय लेने में अग्रणी भूमिका निभाई। आप जून 1991 से मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। आपने केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का संशोधित गाडगिल मुखर्जी फार्मूला भी तैयार किया। व्यापक राजनीतिक अनुभव के धनी श्री मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के संचालक मंडलों में रहे। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं सेमिनार्स में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। ओजस्वी वक्ता एवं प्रखर विद्वान श्री मुखर्जी के बौद्धिक तथा राजनीतिक कौशल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्तीय कार्यकलापों एवं संसदीय प्रक्रियाओं के विषय में गहन ज्ञान की सर्वत्र सराहना की जाती है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ये सदन के सदस्यों ने भी दिनांक 1 अगस्त 2019 को इसी सभागार में आयोजित सेमिनार में उनके अनुभवों का लाभ लिया। विलक्षण अध्यवसायी रहे श्री मुखर्जी की भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर बियॉन्ड सर्वाइवल एमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस बिफोर द नेशन थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस एम द ट्रिबुलेंट ईयर्स 1980 to 1986 जैसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। सरल एवं सौम्य व्यक्ति के धनी प्रणवदा दलीय सीमाओं से ऊपर थे, जिसके कारण सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मुखर्जी को बहुत से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। सरकार और संसद में आपकी स्पृहणीय एवं समर्पित सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2008 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको वर्ष 1997 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार तथा 2011 में भारत में सर्वोत्तम प्रशासक का पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की गई। श्री प्रणब मुखर्जी का दिनांक 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। श्री मुखर्जी के निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। नागालैंड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अश्विनी कुमार का जन्म 15 नवंबर 1950 को हिमाचल प्रदेश के नाहन में हुआ। आपने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत MBA तथा PhD की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्ष 1973 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए तथा विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्य किया। SPG में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर अश्विनी कुमार हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा CBI के निदेशक भी रहे। उत्कृष्ट सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस पदक तथा वर्ष 1999 में राष्ट्रपति के पुलिस पदक पर सम्मानित किया गया। कुशल प्रशासक रहे डॉक्टर अश्विनी कुमार मार्च 2013 से जून 2000 तक नागालैंड के राज्यपाल रहे। इसी दौरान जुलाई 2013 से दिसंबर 2013 तक मणिपुर के राज्यपाल का कार्यभार भी आपके पास रहा। डॉक्टर अश्विनी कुमार का दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का जन्म 28 फरवरी 1928 को राजकोट में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री केशुभाई पटेल लगभग 3 दशकों तक गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे।
आप गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री पटेल मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक, मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक दो बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आप छठी लोकसभा के लिए चुनाव में राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री पटेल वर्ष 2002 से 2008 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जन कल्याण को समर्पित श्री पटेल राजकोट नगर पालिका सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष रहे। अनेक कृषि संसाधनों से संबंध रहे श्री पटेल श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे। श्री केशुभाई पटेल का दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। असम की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सैयदा अनवारा तैमूर का जन्म 24 नवंबर 1936 को असम के जोरावट में हुआ। आपने बी ऑनर्स तक अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती सैयदा अनवारा तैमूर चार बार असम विधानसभा की सदस्य रही। श्रीमती तैमूर दिसंबर 1980 से जून 1981 तक असम की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। आप असम सरकार में शिक्षा, कृषि, हज तथा वक्फ संपत्ति विभाग की मंत्री भी रही। आप दो बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई तथा विभिन्न समितियों की सदस्य तथा सभापति भी रही। कांग्रेस से संबंध रही श्रीमती तैमूर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत रही। श्रीमती तैमूर ने कई महिला सहकारी समितियों एवं स्टोर्स की स्थापना कर उनके लिए डेयरी, मुर्गी पालन तथा उद्यानिक इत्यादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। आपने वर्ष 1962 एवं 1965 के युद्ध पीड़ितों की सहायता एवं उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समर्पित रही श्रीमती तैमूर विभिन्न हज समितियों की सदस्य रही। आप नेशनल पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन की निदेशक तथा राज्य लघु बचत सलाहकार बोर्ड, राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड असम की सदस्य भी रही। श्रीमती सैयदा अनवारा तैमूर का दिनांक 28 सितंबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम में हुआ। आपने बीए एवं बीएससी की उपाधियां प्राप्त की। आपने एनडीए खड़कवासला एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री जसवंत सिंह 5 बार राज्यसभा तथा 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 3 दशकों से अधिक का संसदीय अनुभव रखने वाले श्री सिंह संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री सिंह केंद्र सरकार में वित्त, रक्षा, भूतल यातायात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी मामला एवं विदेशी मामला मंत्रालयों के मंत्री रहे। रक्षा, वित्त एवं विदेश मामलों में आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आप योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने वाले श्री सिंह के व्यक्तित्व पर सैन्य अनुशासन की छाप नजर आती थी। सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री सिंह ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। आपने इसके माध्यम से बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई। आपने क्षेत्र की प्राचीन स्थानीय भाषा डिंगल को प्रोत्साहन देने और प्रोत्साहित करने के लिए भी एक फाउंडेशन की स्थापना की। अध्ययन में रुचि रखने वाले सिंह की नेशनल सिक्योरिटी एंड आउटलाइन ऑफ आवर्स कंसर्न्स, डिफेंडिंग इंडियंस ए कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिप्लोमेसी तथा जिन्ना इंडिया पार्टीजन इंडिपेंडेंस सहित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। आपके विभिन्न पत्रिकाओं में अनेक आलेख भी प्रकाशित हुए। खेल कूद में रुचि रखने वाले श्री सिंह इंडियन पोलो एसोसिएशन तथा दिल्ली गोल्फ क्लब सहित कई खेल संस्थानों से संबंध रहे। श्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद दिनांक 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह का जन्म 6 जुलाई 1935 को झुंझुनू जिले के केरू ग्राम में हुआ। आपने MBBS FRCS की उपाधियां प्राप्त की। आपने कार्डियो थोरेसिक सर्जरी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। डॉक्टर हरि सिंह 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 10वीं विधानसभा में फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अब 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी, 7वीं एवं 9वीं विधानसभा में कांग्रेस आई तथा 10वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। डॉक्टर हरि सिंह जन स्वास्थ्य, भूजल तथा यातायात विभाग के मंत्री भी रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, नियम समिति तथा प्राकलन समिति क के सदस्य रहे। डॉक्टर हरि सिंह 11वीं लोकसभा में भी सदस्य रहे। चिकित्सा के क्षेत्र में से जुड़े डॉक्टर हरि सिंह सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। विभिन्न पत्रिकाओं में आपके चिकित्सा संबंधी कई आलेख प्रकाशित हुए। आप राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग जन समिति के सदस्य भी रहे। डॉक्टर हरि सिंह का दिनांक 11 सितंबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री राधाकृष्ण बिरला का जन्म 30 मार्च 1913 को झुंझुनू जिले के पिलानी में हुआ। आपने सिटी एम गिल्ट ऑफ लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल में से डिप्लोमा किया। श्री राधाकृष्ण बिरला 4थी लोकसभा में झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से IPG के सांसद निर्वाचित हुए। उद्योगपति रहे श्री बिरला इंडियन वूलन मिल्स फेडरेशन,
डेवलपमेंट काउंसिल फॉर वुलन इंडस्ट्री, वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तथा वुलन यार्न डिस्ट्रीब्यूशन समिति के सभापति रहे। आप भारत सरकार में टेक्सटाइल कमिश्नर के सलाहकार भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बिरला समाज में अस्पृश्यता जैसे सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपकी कॉटन स्पिनिंग ब्लो रूम सेक्शन तथा रुई की कताई शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री राधा कृष्ण बिरला अब हमारे बीच नहीं रहे। इस सदन में हमारे विधायक साथी श्री कैलाश चंद्र त्रिवेदी का जन्म 26 जनवरी 1955 को भीलवाड़ा के रायपुर में हुआ। आपने विद्याभवन उदयपुर से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा किया। श्री कैलाश चंद्र त्रिवेदी 12वीं, 13वीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के लिए सहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। आप सदन तथा विधानसभा की समितियों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। श्री त्रिवेदी वर्ष 1988 से 1991 तक पंचायत समिति रायपुर के प्रधान रहे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहे। श्री त्रिवेदी ने इंटक श्रमिक यूनियन की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। श्री त्रिवेदी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वरिष्ठ निरीक्षक सिविल के पद पर भी कार्य किया। श्री कैलाश चंद्र त्रिवेदी का दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्रीमती जकिया का जन्म 7 जुलाई 1949 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। आपने MSc की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती जकिया 8वीं, 11वीं तथा 12वीं विधानसभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस की विधायक रही। आप शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विधि, परिवार कल्याण, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, बाल पोषाहार एवं महिला कल्याण समिति की राज्य मंत्री रही। श्रीमती जकिया महिला एवं बाल विकास, नीति निर्धारण, जन अभाव उपयोग निराकरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मंत्री भी रही। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति की सदस्य तथा राज्य की उपक्रम समिति की सभापति रही। समाज सेवा में रुचि रखने वाली श्रीमती जकिया को उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषाओं का भी ज्ञान था। श्रीमती जकिया का दिनांक 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हीरालाल मीणा का जन्म 21 अगस्त 1940 को सवाई माधोपुर जिले के उदगांव में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री हीरालाल मीणा 9वीं, 10वीं तथा 12वीं राजस्थान विधानसभा में बामनवास निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 9वीं विधानसभा में कांग्रेस आई, 10वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा 12वीं विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, याचिका समिति तथा अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मीणा लगभग 25 वर्षों तक ग्राम पंचायत उदगांव के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति बोली के उपप्रधान तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति गोतोड़ के उस कोषाध्यक्ष भी रहे। श्री हीरालाल मीणा का दिनांक 23 अगस्त 2020 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शिव सिंह का जन्म 30 मई 1933 को राजसमंद जिले के कोटड़ी ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिव सिंह 11वीं राजस्थान विधानसभा में मावली निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री शिव सिंह ग्राम पंचायत काबरा तथा 2 बार ग्राम पंचायत कोटड़ी के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति रेल मगरा के उपप्रधान तथा प्रधान भी रहे। श्री सिंह उदयपुर जिला परिषद की स्थायी समिति के सदस्य रहे। सहकार में रुचि रखने वाले श्री सिंह कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति कांकरौली के अध्यक्ष रहे। आप संजीवनी क्रय विक्रय गृह समिति के संचालक मंडल के सदस्य तथा उदयपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक भी रहे। श्री शिव सिंह का दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रामेश्वर भारद्वाज का जन्म 29 दिसंबर 1935 को अलवर जिले के थाना गाजी में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामेश्वर भारद्वाज 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में किशनपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति तथा जनलेखा समिति के सदस्य रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भारद्वाज गरीब एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा समाज सेवा के लिए समर्पित रहे। आपने मूर्तिकारों की दशा सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री रामेश्वर भारद्वाज का दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विचोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 16 सितंबर 2020 को कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में
घोटला ग्राम के पास चंबल नदी में नाव पलट गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई। यह सदन इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 2 नवंबर 2020 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है 2 नवंबर तक के लिए, और सदन में आज 4 संशोधन विधेयक रखे गए। आज पहले दिन उन तमाम नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई जो आज हमारे बीच में नहीं है।